व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। आज का जो टॉपिक है वो एकदम चार्जर के ऊपर है। एकदम रिपेयर होने के लिए आया है। तो इस चार्जर में हमने पहले सीरीज लाइन में दिया था तो कुछ शो नहीं कर रही थी, तो हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकती है इसका जो फ्यूज है, ये फ्यूज जल चुकी है। ठीक है, तो फ्यूज जलने के कारण होती है आपका शॉर्ट होगी तब फ्यूज उड़ेगी। तो आपको फ्यूज को भी टेस्ट करके दिखा रही हूँ, कोई कंटिन्यूटी नहीं शो कर रही है फ्यूज में। जब भी कंटिन्यूटी आना था तो फ्यूज में कोई कंटिन्यूटी नहीं शो कर रही है। तो हमने क्या करना, अब क्या करना है, फ्यूज जब शॉर्ट निकलेगा तब क्या करना है, तब हमें मॉस्फेट चेक करना है, मॉस्फेट शॉर्ट है कि नहीं। ठीक है, तो हम अभी मॉस्फेट का रीडिंग चेक करेंगे। सकती हो, मॉस्फेट का रीडिंग सही है। ये वाला भी सही है। फिलहाल इसका मॉस्फेट शॉर्टिंग नहीं है, तो इसका मॉस्फेट शॉर्टिंग नहीं है तो इसका फ्यूज क्यों उड़ा। इसका मॉस्फेट सही है तो हम एक बार यहाँ पे फ्यूज लगा कर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका मॉस्फेट सही है लेकिन फ्यूज उड़ गई है। तो फ्यूज ला कर देखते पहले इसका दिक्कत क्या है। तो इसको लाइन देने से पहले आप लोगों को कुछ बात कहने था। जब भी आपके पास कोई एग्जूम चार्जर रिपेयर होने के लिए आएगा, सबसे पहले उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अच्छी तरह से ये सब को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपको अच्छी तरह से बारीकी से बारीकी देखना पड़ेगा इसमें कोई कंपोनेंट्स फटा हुआ तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। इसमें से आपको 95% फॉल्ट पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पर फ्यूज उड़ा था लेकिन कोई सेटिंग भी नहीं, मॉस्फेट भी नहीं उड़ा, तो हमने यहाँ पर वायर जोड़ दिया, फ्यूज वायर तार काट के फ्यूज लगा दिया। तो अब हम लाइन देकर देखेंगे या असल में काम कर रही है या दूसरा कोई फॉल्ट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले सीरीज लाइन में देना है। तो सीरीज लाइन की में देने के बाद चार्जर चालू हो रही है कि नहीं ये देखना है। तो हमारा सीरीज लाइन ग्लो होने लगा, पर देखिए चार्जर ने मेन सेंस कर लिया है। चार्जिंग भी ऑन किया, हमारा लोड भी ले लिया है। ठीक है, मतलब हमारा चार्जर काम कर रही है। इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट में देना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में देंगे, देने के बाद स्विच देंगे। आप देखेंगे, हम देखेंगे हमारा चार्जर फिलहाल काम कर रहे है या नहीं कर रही है फ्यूज लगाने से। इसका सिर्फ फ्यूज उड़ गई थी। हमारा मेन भी ऑन हो गया, चार्जर एम्पियर भी देने लग गया। पंखा भी चलने लगा, आप देख सकते हो, पर चार्जर भी चालू हो गया है। ठीक है, हमारा एम्पियर देखिए 12 एम्पियर का चार्जर है, 12 एम्पियर का चार्जर है, 12 एम्पियर ही दे रही है। ठीक है, इसका फॉल्ट फ्यूज उड़ गई थी, किसी भी लोड के कारण से हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देख सकते हो चार्जर चालू हो गया है, 80% में बिलिंग कर रही है। फिलहाल मेरा बैटरी फुल चार्ज है इसलिए। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को और नए नए फॉल्ट के ऊपर वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी फॉल्ट के लिए कमेंट करना।
और मेरा नंबर तो डिस्प्ले पे ही है, आप फोन करके पूछ सकती हो, ठीक है।